dear students welcome to the class today we will study first short story of our book the name of the short story is the gold watch written by ponjikara rafi this is a this story is about a low paid worker named Sanku and his problems. So, also in this story, we will see what, what are the problems of Sanku and how he tries to solve them. So, let us start with the text first. As on many previous nights sanko could not get any sleep that night he turned and tossed in his bed but it was no use the more he thought the worse he felt he closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness and yet he could see it as clearly as during the day the deserted office room when everyone had gone out for rest or for lunch. The glass window was only partially closed. On one end of the table, inside, were a few fat volumes, at the other end, a pen, an ink bottle, and so forth. And in between, वॉज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक ये हमारा फर्स्ट स्टैंड फर्स्ट पैसेज था फर्स्ट पैराग्राफ था अब लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं समझते हैं करा ऐज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स करा जैसे कि पिछले प्रीवियस मतलब हो गया पिछले कर जैसा कि पिछले कई रातों से हो रहा था शंकु कोड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट उस रात को भी शंकु को नींद नहीं आ रही थी शंकु जो कि इस कहानी का हीरो है मेन कैरेक्टर है थोड़ा सा अलग हट के नाम है तो लेखक कहानी की शुरुआत करते हुए कह रहा है कि जैसा कि पिछले कई रातों से शंकु के साथ हो रहा था इस रात को भी वो सो नहीं पा रहा था उसकी आंखों से नींद गायब थी ही टर्नड एंड टॉस्ड इन हिज बेड टर्नड एंड टॉस्ड इसका अर्थ हुआ कि वो लगातार करवटें बदल रहा था इधर उधर घूम रहा था क्या ही टर्नड एंड टॉस्ड इन हिज बेड वो अपने बेड बेड पर लेटे लेटे वो करवटें बदल रहा था क्योंकि नींद उसे आ नहीं रही थी बट इट वॉज नो यूज़ कर, लेकिन बार बार करवट बदलने से भी इधर उधर घूमने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी द मोर ही थाट वर्स ही फेल्ट और करवटें बदलते बदलते वो जितना ज़्यादा सोचता था उतना ही उसे बुरा महसूस होता था यानी कि जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो लेटे लेटे वो कुछ सोच रहा था और जितने ज़्यादा वो सोचते जाता था उस उतने ही उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी जिसके कारण फिर उसे नींद नहीं आती थी नहीं आ रही थी ही क्लोज आइज एंड ले ऑन इज टॉन मैट इन द डार्कनेस इधर उधर बहुत बार करवट बदलने के बाद फिर क्लोज आइज उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया और अपने फटे पुराने मैट पर जो बिछाने वाला चादर था या कर चटाई कह सकते हैं कि अपने चटाई फटे पुराने चटाई पर आंखें बंद करके लेट गया कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था तो चटाई फटे होने से एहसास हम कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं या जान सकते हैं कि ये जो शंकु था जो हमारे कहानी का जो प्रोटोगनिस्ट है जो मेन कैरेक्टर है वो एक गरीब गरीब परिवार से संबंधित है क्योंकि उसके जो चटाई भी है वो भी फटी हुई है लेखक कह रहा है तो कह रहा अंधेरे में आंखें बंद करके वो लेट गया एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे कह रहा भले ही उस कमरे में अंधेरा था और आँखें बंद करके लेटा था लेकिन फिर भी वो उतने ही अच्छे तरीके से देख सकता था जितने कि वो दिन में उसे दिखाई देता था यानी कि आंखें बंद करने पर भी जो दृश्य उसके सामने चल रहा था वो दृश्य उसे बड़ा क्लियरली विजिबल हो रहा था जिस ले करा जिस प्रकार दिन में हम लोग देखते हैं तो सब कुछ चीजें हमें स्पष्ट नजर आती हैं, उसी तरह करा रात के अंधेरे में लेट कर जो शंकु मन ही मन जो सोच रहा था जो देख रहा था तो बड़ा क्लियरली उसको सब कुछ नजर आ रहा था द डेजर्टेड ऑफिस रूम और उसमें क्या वो लेटे लेटे कमरे में क्या देख रहा था डिजर्टेड ऑफिस रूम जिस ऑफिस में वो काम करता था वहाँ के उस ऑफिस के बारे में डिजर्टेड यानी कि एकदम सुनसान है वीरान पड़ा हुआ अपने ऑफिस को देख रहा है कि ऑफिस एकदम वीराना पड़ा हुआ है वेन हैड बडी आउट फॉर लेस फॉर रेस्ट और फॉर लंच तो वो उस दृश्य की कल्पना कर रहा है जबकि ऑफिस के सभी लोग जो है वो आराम करने के लिए या लंच करने के लिए अपने अपने सीट से उठकर जो है बाहर चले गए हैं और पूरा ऑफिस जो है अब एकदम सुनसान पड़ा हुआ है पर वहाँ पर अब कोई नहीं है उस दृश्य को वो लेटे लेटे देख रहा है द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्सली क्लोज और उसी मन ही मन सपने में आंखें बंद करके वो देख रहा है और अनुभव कर रहा है कि जो उसके कमरा है उस पर जो ग्लास विंडो है जो शीशे की जो आ, खिड़कियां हैं वो ओनली पार्स पार्टली क्लोज वो केवल थोड़ा सा ही बंद है यानी कि वो खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की के होते हुए वो देख रहा है कमरे में क्या क्या देख रहा है कि आन वन एंड ऑफ द टेबल इन साइड वर फ्यू फैट वॉल्यूम्स कि वहीं पर खिड़की के पास ही एक टेबल है और उस टेबल पर एक साइड में जो है एक किनारे पर जो है फ्यू फैट वॉल्यूम्स फैट वॉल्यूम्स मतलब खूब मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं एट द अदर एंड अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ और उसी टेबल के दूसरे साइड में दूसरे किनारे पर एक पेन रखा हुआ है इंक का बॉटल है स्याही का बॉटल रखा हुआ है और इसी तरह से छोटी मोटी कई चीज़ें रखी हुई थी and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book और इन्हीं दोनों के बीच में यानी कि एक तरफ पेन रखा हुआ था और दूसरी तरफ जो किताबें रखी हुई थी करा इन्हीं के बीच में एक गोल्ड वॉच एक सोने की घड़ी रखी हुई थी विथ इट्स गोल्ड चेन और उस सोने की घड़ी का जो चेन था जो पट्टा था वो भी जो है वो सोने का था और वो घड़ी उसी तरह से टेबल पर पड़ा हुआ था और ऑफिस में कोई नहीं था एकदम ऑफिस में सन्नाटा था ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फूड एंड यू कैन पिक इट अप एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच नो बडी विल नो और कमरे में लेटे लेटे इस हमको सोच रहा है कि बस करना क्या है कि ओपन द विंडो खिड़की खुली हुई ही 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 है थोड़ा सा उसको और खोलना है एंड स्ट्रेच आउट एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड और स्ट्रेच हो गया कि बस थोड़ा सा अपने हाथों को फैलाना है दूर तक ले जाना है अबाउट अ फिट केवल एक फुट खिड़की से एक फुट अंदर ही हाथ डालना है एंड यू कैन पिक इट अप और बस थोड़ा सा हाथ अंदर करके आप उस घड़ी को उठा सकते हैं एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच और चूँकि लंच का समय है इसलिए सभी लोग जो हैं लंच करने के लिए जा चुके हैं तो ऑफिस में कोई नहीं है नोबडी विल नो और संको लेटे लेटे ही सोच रहा है कि इस तरह से वो घड़ी भी उठा सकता है और नो बडी विल नो और कोई जान भी नहीं पाएगा कि उस घड़ी को उठाया किसने क्योंकि वहाँ पर उस समय ऑफिस में कोई मौजूद ही नहीं है देखने वाला तो कह रहा है कि बड़ा सुनहरा मौका है बड़े आसानी से यह काम किया जा सकता है और ये सब बातें जो है शंकु जो है कमरे में लेटे लेटे अपने अंधेरे कमरे में रात को लेटे लेटे सोच रहा है देख रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ पर, पर, की ओर बढ़ते हैं शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स हिज कावर डाइस एंड हिज वैसी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज ही हैड नेवर सीन एनी वन एट दैट टाइम एंड येट He had been afraid. He had trembled and felt breathless. That was why he had refrained from taking the watch every time. It would not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blot out his intentions accidentally. So he must take it tomorrow. सपोज ही डिड not. तो जब लग कमरे में लेटे लेटे शंकु ने इतना सब कल्पना कर लिया पूरे ऑफिस को वो जब देख रहा है लेटे लेटे कि इस तरह सभी लोग चले गए हैं और सोच रहा है कि बस केवल थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर ही उस घड़ी को उठा लेना है और कोई उसको देख भी नहीं पाएगा तभी उसी के साथ साथ कुछ दूसरे ख्याल भी जो है कुछ दूसरे विचार भी उसके दिमाग में आने लगे शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स अब उसी तरह से लेटे लेटे अपने चटाई पर लेटे लेटे शंकु रिमेम्बर याद कर रहा है अपने पिछले प्रयासों को कि कई बार किस तरह से उसने हिम्मत किया थोड़ा प्रयास भी किया उस घड़ी को उठाने का हिज आइज उसे अपने आइज की अपने जो है अपने डरने की जो है भी याद आ रहा है कि किस तरह से वो कई बार मौकों पर उसने एफर्ट किया प्रयास तो किया लेकिन तभी जो है उसकी कायरता जो है कावर्डाइसन उसकी कायरता उसके सामने आ जाती है यानी कि बार बार वो भयभीत हो जाता है फिर वो डर जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए एंड हिज वैसी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यूजेज और वो अपने पिछले पिछले कुछ दिनों के अपने घबराहट के बारे में परेशानियों के बारे में भी लेटे लेटे सोच रहा है कि कैसे वो कई बार प्रयास तो करने की उसने हिम्मत किया लेकिन मेन समय पर उसकी जो हिम्मत है उसका दर उसका साथ छोड़ देता है और वो कायरता उसको घेर लेती है और वो चाह कर भी वो काम नहीं कर पाता है ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम और ऐसा भी नहीं है कि पिछले कई दिनों में जब उसने प्रयास करने को सोचा तो कोई उस ऑफिस में मौजूद रहा हो हमेशा ऐसा ही रहता है कि सब लोग बाहर लंच पर चले जाते हैं कोई वहाँ मौजूद नहीं होता है देखने वाला यानी कि वहाँ पर उस काम को शंकु जो है बहुत आसानी से कर सकता था उस घड़ी को उठा सकता था एंड येट ही हैड बीन अ फ्रेड करा लेकिन भले ही वहाँ उसको कोई देखने वाला नहीं होता था किसी दिन और बहुत आसान काम था केवल थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर आगे उस घड़ी को उठा लेना था लेकिन फिर भी करा ही हैड बीन अ फ्रेड लेकिन एक डर था जो उसको चारों तरफ से घेरे रहता था और चाह कर भी वो उस घड़ी को उठा नहीं पाता था ही है uh, ट्रिम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस और जब कभी भी वो थोड़ा सोचता था उस घड़ी को उठाने को वो ट्रिम्बल्ड वो काँपने लगता था यानी कप कब कभी छूट जाती थी उसे एंड फेल्ट ब्रेथलेस और उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सांसें रुक गई हों उसकी सांसें ही न चल रही हूँ इतना ज़्यादा वो घबराने लगता था काँपने लगता था जब कभी भी थोड़ा बहुत प्रयास करने की वो हिम्मत करता था कि वो हिम्मत करके उस घड़ी को उठा लें देट वॉज़ वाई ही है डिफ्रेंट फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम और करें यही सब वो कारण है जो कि है जिसके कारण हर बार वो थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उस घड़ी को उठा नहीं पाता था क्योंकि तभी अचानक उसका हिम्मत छूट जाता था कांपने लगता था उसकी धड़कने बढ़ जाती थीं सांस उसकी रुक जाती थी और एक अनजाना सा भय और डर जो है उसको बार बार जो है वो इस काम को करने से उस घड़ी को उठाने से रोक देता था इट वुड नाट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर लेकिन उसके साथ साथ ही अब वो फिर सोच रहा है लेटे लेटे कि इट वुड नाट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर कि अब इस काम को बहुत ज़्यादा देरों देर के लिए बहुत ज़्यादा समय के लिए टाला भी नहीं जा सकता है उसे ये भी महसूस हो रहा है कि नहीं ये काम उसे करना भी जल्दी है बहुत ज़्यादा दिन तक इसको वो नहीं रख सकता छोड़ नहीं सकता इफ़ यू थाट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग और वो सोच रहा है कि अगर वो और ज़्यादा इन सी चीज़ों के बारे में सोचेगा तो फिर शायद वो नॉट एबल टू डू एनी थिंग तो फिर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा यानी कि जब वो बहुत सी परिस्थितियों के बारे में सोचेगा कि कोई देख लेगा तब क्या होगा कहीं वो पकड़ में आ जाएगा तब क्या होगा कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए यानी कह कि अगर वो जितने ज़्यादा सोचेगा तब तो फिर वो काम कर ही नहीं पाएगा इसलिए फिर वो सोच रहा है कि नहीं अब उसे ये काम कर ही देना चाहिए जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहेगा ही might even blurt आउट his intention एक्सीडेंटली और इसके साथ ही वो ये भी सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा दिनों तक तो वो टाल दे लेकिन ये दी, ये घड़ी को उठाने की चुराने की बात तो उसके दिमाग में है ही है तो एक ये, ये भी डर और भय था कहीं ऐसा ना हो कि ब्लर्ट आउट कि वो अपने जो इंटेंशंस हैं अपने जो ये योजना है वो किसी के सामने जो है मतलब दुर्घटनावश या अचानक किसी के सामने वो अपना राज खोल न दे अपनी ये बातें बता ना दें कि वो ऐसा चाहता है वो करना चाहता है या कह दे कि अरे देखो ये घड़ी तो ऐसे ही पड़ी रहती है तो बड़ा आसान है कोई भी इसको उठा सकता है यानी ये भी भय है कि वे चूंकि कह रहा है कि दिमाग में जब चीज़ें लगातार चलती रहेंगी तो कहीं एक ऐसा ना हो जाए कि वो ये अपने ये योजना किसी के सामने कर दे और वो घड़ी भी ना चुरा पाए योजना का पर्दाफाश भी हो जाए और उसका सजा भी उसे मिल जाए सो ही मस्ट टेक इट टमारो उसने सोचा कि अब वो कल इस घड़ी को जो है उठा कर रहेगा क्योंकि ज़्यादा सोचने से ज़्यादा समझने से ज़्यादा विचार करने से कोई फ़ायदा ही नहीं जितना ज़्यादा वो सोचेगा समझेगा उतने ज़्यादा उससे लेट होगा योजना का भी खुलासा होने का डर है तो तमाम तरह की बातें उसके दिमाग में उस समय चल रही थी तो उसने इसलिए कहा कि अब वो कल तो इसको उठा ही सपोज़ ही डिड नाट लेकिन तभी फिर अचानक वो भय वाला जो विचार था वो उसके दिमाग में आ गया और तुरंत तो वो सोचने लगा लेकिन मान लो कि अगर वो न कर पाया तो नहीं उठा पाया तो अब क्या होगा तो यानी कि यहाँ पर शुरुआती जो दो तीन हमने पैराग्राफ देखा उसमें हम शंकु के मनोदशा को देख रहे हैं लेखक शंकु के मनोदशा को बता रहा है कि किस प्रकार उसके मन में तो उस घड़ी को चुराने की उठाने का विचार तो है लेकिन उस विचार के बावजूद भी जबकि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हैं कोई उसको देखने वाला नहीं है अकेला समय है लेकिन उसके बावजूद भी एक अनजाना जो डर है वो भय है वो किस तरह से उसके अंदर घर करके बैठा हुआ है कि वो चाह कर भी उस घड़ी को चुरा नहीं पा रहा है उठा नहीं कर पा रहा है साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इसको टालने से करने से अचानक वो खुद ही इस योजना का खुलासा कहीं वो दूसरों के सामने न कर दे कहीं ऐसा भी ना हो जाए यानी तमाम तरह की बातें कसम कस उसके दिमाग में चल रही हैं और अंत में उसने फिर फैसला किया कि वो कल जो है एक प्रयास करेगा उसको उठाएगा लेकिन उसके साथ साथ दिमाग में ये भी भय है कि कहीं अगर वो ना कर पाया तो तो ये अभी शुरुआती पैराग्राफ में ये हम लोगों ने देखा और आगे देखेंगे अभी तक के लिए इतना ही